आज हम एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों 7 कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा 5 दिन कार्य करते हैं तथा फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। सी शेष कार्य को अकेला 14 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या है, सबसे पहले ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो हम लिखेंगे ए 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी 30 दिनों में कर सकता है। अब हम दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वही हमारा टोटल वर्क होगा। दोनों का एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, इनमें से जो बड़ा है उसका टेबल काउंट करेंगे और देखेंगे वो दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। 30 का के टेबल में 31 जो 30 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो 30 नहीं होगा 60। 32 जो 60 20 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, तो हमारा 60 हो जाएगा एलसीएम। 23 जो 60 32 जो 60। अब जो हमारा ये 3 और 2 आया है ये ए और बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो हमारी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 3 प्लस 2 5 दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 काम करेंगे। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि दोनों 7 कार्य करना प्रारंभ करते तथा 5 दिन कार्य करते हैं, कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 5 दिन, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो 5 × 5 = 25। दोनों एक दिन में कितना कार्य कर 5 दिन में कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे। उसके बाद ये काम करना छोड़ देंगे, मतलब इन्होंने कितना काम कर लिया, 25 काम कर लिया। हमारा टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था 60। हमारा टोटल काम 60 था और इन दोनों ने किया 25, तो 60 - 25 35 काम हमारा शेष रह गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी शेष कार्य को अकेला 14 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य कितने हैं, 35, और वो कितने दिनों में करता है, 14 डेज में, तो हमारा एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, 35 / 14। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क बाय टाइम। हमारा वर्क कितना है, काम कितना है, 35, और टाइम कितना दिया है हमें, 14। तो एक दिन में इसका क्या मतलब है कि सी 35 / 14 कार्य करता है एक दिन में। तो सी एक कार्य करता है कितने दिनों में, 1/35/14 दिनों में। तो सी टोटल कितना काम, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब पूरा कार्य कितना है, 60। तो सी 60 कार्य कितने दिनों में करेगा, 1/35/14 को पलट देंगे तो 14/35 हो जाएगा, इनटू इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने दिनों में, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में, तो 24 हमारा आंसर है।